असिस्मेंट नंबर वन साइंस की, ठीक है स्टूडेंट, आपकी साइंस की असिस्मेंट नंबर पहली आई है, ऐसे आपके हमेशा आप आते रहेंगे। तो आप लोग अगर ऐसे ही सॉल्यूशन अच्छे चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके पूरे नंबर आए, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग जैसे ही वीडियो आए आप लोग उसे असिस्मेंट को कम्प्लीट कर सकें। ठीक है, सब्जेक्ट आपका साइंस, क्लास आपकी सेवन, असिस्मेंट वर्कशीट नंबर वन, डेट आपकी 18 अगस्त, ये आज हम लोग करने वाले हैं और समझेंगे इसमें। ठीक है, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों इसमें अगर आप ऐसे करके आते हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक दिया है, द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, CO2 की जरूरत पड़ती है, तो आपका इसमें डी हो जाएगा सही। ठीक है, ABC तीनों, इसमें मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, टिक भी लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सेकंड, ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ। सिंपल सी बात है, हरे पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। कितने इजी क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, थर्ड में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। ठीक है, इसमें से बताना आपको पैरासाइट कौन सा है, तो आपका कसकुत्ता इज पैरासाइट। ठीक है, ए आ जाएगा इसका, ये आपका एक पैरासाइट है। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट बच्चों इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट में आपका दिया है पाइचर प्लांट, लाइकेन, कसकुत्ता, राइजोबियम। ठीक है, तो आप इसमें से देखेंगे आपका ये इंटर बोरियस प्लांट पूछा है बच्चे इसमें। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये ए। ठीक है स्टूडेंट, पाइस्चर प्लांट। टिनी पोर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ लीव आर कोल्ड। ये तो सबको ही पता होगा, स्टोमेटा। ठीक है, छोटे 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 होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे सिक्स में, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो बच्चों आपका आ जाएगा सन। ठीक है, सन एक आपका सोर्स ऑफ एनर्जी सबके लिए है। ठीक है, सेवन पे आ जाए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मशरूम। मशरूम के अंदर आपका कौन सा न्यूट्रिशन होता है मशरूम के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे मशरूम के अंदर आपका फोटोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक, ठीक है, हेटरोट्रोपिक और नॉन ऑफ दीज। ये आपके कितने ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका सेप्रोट्रोपिक आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आते हैं एट पे, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इज कोल्ड इंजेशन। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कोल्ड। देखो, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, ये आपका बच्चों आ जाएगा डाइजेशन में। ठीक है, डाइजेशन में ही आपका क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स वो होते हैं वो छोटे छोटे डिवाइड में होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस कौन सीक्रेट करता है बच्चों, लीवर करता है, पेनक्रियास करता है, सलाइवरी ग्लैंड करती है, या ABC तीनों करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था अगर आप लोगों ने वर्कशीट की हो तो, और जो उसका रिजल्ट मैं शनिवार को अनाउंस करूंगा, जिसके और जो जीतेगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो आप लोग अदर वर्कशीट चेक करिए, आप लोगों को बताया गया है कि आप कैसे मतलब जीत सकते हो गिफ्ट। ठीक है, तो देखो डाइजेस्टिव जूस मतलब ऑल जूस जितने भी डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं, लीवर से भी जूस सीक्रेट होता है, ठीक है, पेनक्रियास से भी, सलाइवरी ग्लैंड से भी, तो आपका इसका बच्चों डी आ जाएगा, ABC तीनों। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आएगा, तो सभी बच्चे वर्कशीट करिए, अपने टीचर से चेक कराइए और फुल मार्क्स लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।